नमस्कार दोस्तों, ह्यूंडई ओरा सीएनजी अभी आप देख रहे हैं। सीएनजी ओरा की जो डिमांड है दिन प्रतिदिन काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। वजह है गाड़ी का माइलेज। सीएनजी में ये 28 का माइलेज निकालती है और पेट्रोल में निकालती है 21 केएमपीएल का, तो बेटर फ्यूल एफिशिएंसी गाड़ी के अंदर आपको मिलती है। अभी जो ये वेरियंट आप देख रहे हैं ना, ये इसका SX वेरियंट है, सेकेंड ऑफ मॉडल, जिसकी प्राइसिंग अगर आप देखेंगे 8,90,000 रुपीज़ तक का एक शोरूम ये वेरियंट आपको पड़ता है। अफोर्डेबल प्राइसिंग के साथ में आती है, बेटर फ्यूल एफिशिएंसी के साथ में आती है, उसी वजह से गाड़ी की जो सेल्स है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, खास करके सीएनजी में। अगर आप गाड़ी की देखेंगे तो कुछ ऐसी की आपको इस वाले वेरिएंट के अंदर मिलती है। SX ये वेरिएंट है, स्मार्ट की गाड़ी के अंदर आपको मिल जाती है। लॉक ऑन लॉक के बटन से और पीछे का बूट खोलने का भी बटन है। ओवरऑल प्रीमियम डिज़ाइन के साथ में की आती है। गाड़ी के लुक्स भी अगर आप देखेंगे काफ़ी शानदार लुक्स के साथ में आती है। 2023 का लेटेस्ट अपडेटेड ये मॉडल अभी आप देख रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार लगता है। गाड़ी की जो ऑन रोड प्राइसिंग है वो भी मैं आपके साथ में अभी यहाँ पर शेयर कर देता हूँ। फ्रंट प्रोफाइल अगर आप देखेंगे तो गाड़ी का ये कुछ ऐसा यहाँ पर देखने को मिलता है। कंप्लीटली ब्लैक फिनिश में ग्रिल है। हेडलाइट्स अगर आप देखेंगे तो हैलोजन में लाइट्स है, टर्न इंडिकेटर से नीचे LED DRLs आपके पास में यहाँ पर अवेलेबल है। एक तरीके से शानदार लुक से गाड़ी है। ऊपर अगर आप आएंगे CNG की ब्रांडिंग आपको यहाँ पर मिलती है। मिरर्स अगर आप देखेंगे गाड़ी के इलेक्ट्रॉनिकली फोल्डेबल ओवरव्यूएम से LED टर्न इंडिकेटर्स के साथ में ही आते हैं। व्हील्स अगर आप देखेंगे ना, 15 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं। टायर साइज की अगर हम बात करें 175/60R 15 इंच के ये डायमंड कट में व्हील्स हैं। सेफ्टी के मामले में भी ना काफ़ी अच्छे फीचर्स आपको गाड़ी में मिलते हैं। ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल असिस्ट कंट्रोल और टोटल 4 एयरबैग्स आपको SX वेरिएंट के अंदर मिलती है। ये इसका सेकंड टॉप मॉडल SX वेरिएंट है। बाकी बैक प्रोफाइल अगर आप देखते हो गाड़ी का, बैक से तो काफ़ी ज़्यादा शानदार ही लगती है। कम्प्लीटली ओवरऑल बैक की तरफ से जो स्टांस है गाड़ी का, ये थोड़ा सा कूपे टाइप जो कार आती है उसी की तरह आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। ऊपर की तरफ कम्प्लीटली शार्क फिन है गाड़ी में आपके पास में। हाई माउंट स्टॉप लाइट है। डीफॉगर भी आपके पास में यहाँ पर अवेलेबल है इस वाले वेरियंट में। हाई माउंट स्टॉप लाइट ये कुछ आपको यहाँ पर मिल जाता है। ये ओरा की बैजिंग अगर आपको मिलती है और दो इसमें अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर से रिवर्स कैमरा भी इस वाले वेरिएंट के अंदर आपको मिल जाता है SX वेरिएंट में। टेल लाइट्स जो है ना गाड़ी के, ये काफ़ी ज़्यादा शानदार लगते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रिस्टल इफेक्ट है कम्प्लीटली टेल लाइट्स के ऊपर। पीछे के व्हील्स अगर आप देखते हो, ड्रम ब्रेक्स यहाँ पर मिल जाते हैं और सामने की तरफ आपके पास में डिस्क ब्रेक्स यहाँ पर अवेलेबल है। कम्प्लीटली क्रोम फिनिश में डोर हैंडल से 37 लीटर्स का फ्यूल टैंक है। पेट्रोल आप यहाँ से भरवा सकते हैं और CNG भी आप यहीं से भरवा सकते हैं। बूट जो है गाड़ी का आप की से खोल सकते हो। इसे अगर आप होल्ड करके रखेंगे तो गाड़ी का बूट जो है ओपन हो जाता है, तो कुछ इस प्रकार से आप खोल सकते हो। CNG टैंक अगर आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से प्लेसमेंट आपको मिलती है। अभी टैंक होते हुए भी ना काफ़ी अच्छी स्पेस भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। ये कुछ इसका नोजल है जिसे आप ऑन या ऑफ भी यहाँ से करवा सकते हैं। अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको स्पेयर व्हील मिलता है टूल किट के साथ में। टूल किट भी इसी के अंदर आपको मिल जाती है, तो स्पेस भी एक तरीके से अच्छी लेवल की आपको मिल ही जाती है SX CNG वेरिएंट में। ये कुछ कम्प्लीटली गाड़ी का साइड का प्रोफाइल है। साइड से डायमंड कट व्हील्स की वजह से काफ़ी शानदार ही लगती है। कम्प्लीटली ब्लैक फिनिश है यहाँ पर, जो कि एक कूपे टाइप वाला फील आपको देती है। आइए पीछे के सीट्स पर चलते हैं। पीछे का डोर अगर आप खोलकर देखेंगे तो यहाँ पर आपको ब्लैक और बेज कलर का ट्रीटमेंट मिलता है। सिल्वर फिनिश में डोर हैंडल से यहाँ पर ग्लास होल्डर्स के लिए जगह है। स्पीकर्स का सिस्टम है। पावर विंडोज के कंट्रोल है। पीछे की सीट्स अगर आप देखेंगे कम्प्लीटली फैब्रिक फिनिश में सीट्स आपको यहाँ पर दी गई है। दो इसमें हेडरेस्ट भी है, बीच में आर्मरेस्ट भी आपके पास में यहाँ पर अवेलेबल है। और सीट्स का जो सपोर्ट वगैरह है ये अच्छी लेवल का आपको मिलता है। आइए गाड़ी के अंदर मैं आपको यहाँ पर बैठ के अभी दिखा देता हूँ। स्पेस अच्छी है गाड़ी में। सीट जो है मेरे हिसाब से सेट है, तो यहाँ पर आप स्पेस देख सकते हैं। पैरों को भी आप अंदर स्ट्रेच आउट कर सकते हो। पीछे के जो पैसेंजर्स हैं उनके लिए यहाँ पर AC के वेंट से 12 वोल्ट का चार्जिंग स्लॉट भी यहाँ पर अवेलेबल है। और पीछे की तरफ से अगर आप फ्रंट व्यू देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। कम्प्लीटली ट्रिपल टोन कलर फिनिश यहाँ पर दिया हुआ है। ब्लैक है, थोड़ा सा कॉपर फिनिश है और बेज कलर का फिनिश है, जिससे कि प्रीमियम लेवल की फील आपको मिलती है। ऊपर लाइट्स के लेटर से भी कंट्रोल से, पीछे के पैसेंजर्स के लिए ग्रैब हैंडल से यहाँ पर अवेलेबल, और पीछे भी थोड़ी बहुत स्पेस वगैरह आपको मिल ही जाती है। अगर आप मेरी हेडरूम देखना चाहते हो यहाँ पर देख सकते हैं। डोर को मैं यहाँ पर अभी बंद कर देता हूँ। 5.9 मेरी हाइट है, तो स्पेस पीछे की सीट्स पर कुछ इतनी है, मतलब डिसेंट सी स्पेस आपको मिलती है। लेकिन कम्फर्ट वगैरह जो है गाड़ी का, ये अच्छे लेवल का आपको मिलता है। विंडो एरिया वगैरह जो आपको इसमें दिया हुआ है ना, ये अच्छा मतलब फील होता है आपको। किसी भी प्रकार की ऐसी दबी सी फील आपको नहीं होगी, क्लस्टरोफोबिक सी फील आपको नहीं आएगी पीछे की इन सीट्स पर। ड्राइवर साइड डोर के ऊपर आपको क्या मिलता है यहाँ पर, क्रोम में डोर हैंडल से कीलेस एंट्री आपको यहाँ पर मिल जाती है। स्मार्ट की आपको गाड़ी के अंदर मिल जाती है, यहाँ पर आपने की तो देखी होगी। फ्रंट डैशबोर्ड अगर आप देखेंगे कुछ ऐसी कम्प्लीटली फिनिश आपको यहाँ पर देखने की मिलती है। ड्राइवर साइड डोर के ऊपर क्या कंट्रोल्स है आपके पास में यहाँ पर आप देख सकते हैं। मिरर फोल्ड करने के सभी कंट्रोल्स से, फोल्डेबल ओवरव्यूएम से कंट्रोल है, लॉक ऑन लॉक के कंट्रोल्स से, वन टच अप डाउन विंडो है आपके पास में, और नीचे जो है यहाँ पर ग्लास होल्डर्स के लिए भी जगह आपको मिल ही जाती है। सीट्स अगर आप देखेंगे कम्प्लीटली फैब्रिक फिनिश में सीट्स आपको यहाँ पर दी गई है। फैब्रिक सीट्स है जिसमें साइड में लेदर का टच आपको यहाँ पर मिल जाता है। हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, सीट्स को आप रिक्लाइन भी कर सकते हैं।
डैशबोर्ड के ऊपर क्या कंट्रोल्स है, स्टार्ट स्टॉप करने का फंक्शन है, स्टेबिलिटी कंट्रोल का फंक्शन है, या इससे आप गाड़ी को आपको CNG में चलाना है या फिर पेट्रोल में चलाना है, इस बटन के जरिए आप कन्वर्ट कर सकते हो। हेडलाइट्स के लेवल ऊपर या नीचे करने के कंट्रोल्स है। तो जब आप गाड़ी के अंदर बैठते हो ना, तो कुछ ऐसा फील आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, कुछ ऐसी पोजीशन पर आप बैठते हैं ऑरा के अंदर एक तरीके से। अब गाड़ी का स्टेयरिंग व्हील जो है आप ऊपर या नीचे भी इसे कर सकते हो, लेकिन टेलीस्कोपिकली एडजस्ट होने वाला ये स्टेयरिंग नहीं है। एक तरीके से हॉर्न अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसे आपको मिलती है। इस तरफ आपके पास में क्या कंट्रोल्स है, वॉइस कमांड के कंट्रोल्स है, फ़ोन उठाने के काटने के कंट्रोल्स है, वॉल्यूम को कम या ज़्यादा करने के सभी कंट्रोल्स वगैरह आपको इस तरफ ही मिलते हैं। इस तरफ आपके पास में है MID को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, अंदर जो MID आप देख रहे हैं। इस तरफ भी आपके पास में RPM मीटर, यहाँ पर आपको ये CNG बताएगा गाड़ी के अंदर CNG कितना बचा है। और इस तरफ अगर आप देखेंगे तो इस तरफ आपको ये पेट्रोल बताएगा। 8 इंच का डस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है, 4 स्पीकर्स आपको इसमें मिल जाते हैं। मेन्यू में अगर आप देखेंगे तो मीडिया के रिलेटेड से भी फंक्शंस अगर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। FM रेडियो वगैरह जो है आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। सेटिंग्स में अगर आप आएंगे, साउंड्स के रिलेटेड से भी सेटिंग्स वगैरह है आपके पास में। पोजिशन आपको सेट करनी है, इक्वलाइजर, गाइडेंस वगैरह जो भी कुछ है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। डिस्प्ले के रिलेटेड सेटिंग्स है, यहाँ पर ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा करना चाहते तो वो आप यहाँ से इस तरीके से कर सकते हो। डिस्प्ले को ऑफ करना तो यहाँ से भी आप इसे कर सकते हो। रिवर्स कैमरा अगर आप गाड़ी का देखेंगे तो कुछ ऐसी क्वालिटी वगैरह आपको यहाँ पर मिलती है, डिसेंट लेवल की क्वालिटी है एक तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं। गाइडेंस के साथ नहीं आता है और डिस्प्ले के अंदर मतलब अच्छा ही लग रहा है यहाँ पर। ये कुछ इस प्रकार से फंक्शंस वगैरह आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। हेजार लाइट्स के सभी कंट्रोल्स से मैनुअल AC आपको यहाँ पर मिल जाती है। मैनुअल AC के सभी कंट्रोल्स से आपके पास में यहाँ पर अवेलेबल। नीचे अगर आप आएंगे ना तो Type-C का पोर्ट आपके पास में यहाँ पर आपके पास में 12 वोल्ट का चार्जिंग स्लॉट और USB का भी पोर्ट आपके पास में यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर थोड़ी बहुत स्पेस आपको मिलती है। 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है। ऑटोमेटिक का ऑप्शन जो है CNG में नहीं आता है, बाकी पेट्रोल में आपको ऑटोमेटिक का ऑप्शन भी मिल जाएगा। हैंडब्रेक है, यहाँ पर थोड़ी बहुत स्पेस आपको मिलती है ग्लास होल्डर्स के लिए, और पीछे के पैसेंजर्स के लिए इसके वेंट्स तो यहाँ पर अवेलेबल है ही। साइड में अगर आप देखेंगे इसका ग्लो बॉक्स, यहाँ पर ऊपर थोड़ी स्पेस है, और अंदर अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पर कूलिंग का भी सिस्टम आपके पास में यहाँ पर अवेलेबल है, जहाँ पर आप अपनी ड्रिंक्स वगैरह अगर रखेंगे तो कूलिंग वो हो जाएगी। ऊपर डे नाइट रियर व्यू मिरर है। लाइट्स के लेटर से भी कंट्रोल से यहाँ पर अवेलेबल। पैसेंजर साइड वैनिटी है जिसमें मिरर भी आपको मिल जाता है। बाकी ऊपर कम्प्लीटली लाइट्स वगैरह की कनेक्टिविटी आपको यहाँ पर मिल जाती है। आइए गाड़ी का फ्रंट बोनेट जो है आपको अभी खोलकर दिखाते हैं। गाड़ी में जो है ना एम्बिएंट लाइटिंग भी आती है नीचे की तरफ अगर आप देख रहे होंगे तो। आइए अभी गाड़ी के इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं। एक इंजन का ऑप्शन आता है बेसिकली, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंजन का लेआउट काफ़ी नीट एंड क्लीन आपको लेआउट यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। ऊपर किसी प्रकार की डैम्पनिंग वगैरह आपको नहीं मिलती इंजन की। 1200cc 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन है गाड़ी के अंदर, जिसे आप CNG पे भी चला सकते हैं। 69 PS की ये पावर बनाता है। CNG में आपको 28 का माइलेज मिलता है और पेट्रोल में आपको मिलता है 21 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी। बाकी अभी आपने ये SX वेरिएंट इसका देखा ऑरा का, जिसकी ऑन रोड प्राइसिंग की अगर हम इसमें बात करें 10,10,000 रुपीज़ तक का ऑन रोड ये वेरिएंट आपको पड़ता है, SX CNG वेरिएंट ऑरा का। बाकी ओरा के बारे में ये कुछ था दोस्तों, और आपको कैसे लगी आप बताइए हमें नीचे कमेंट्स में। वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक और शेयर भी आप कर सकते हैं, और चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।